हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। अब बिग बैश में कल जो मैच होने वाला है वो होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर्स के बीच में। तो चलते हैं, दोनों टीमों का स्क्वाड देख लेते हैं, फिर ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे। तो दोनों टीमों में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, क्रिस लिन बिल्कुल फिट हो चुके हैं, तो क्रिस लिन कल का मैच खेलने वाले हैं, डेफिनेटली पक्का खेलेंगे कल का मैच। जो बर्न्स भी वापस आ चुके हैं, जो बर्न्स लास्ट मैच नहीं खेले थे तो अब कल का मैच भी खेलेंगे। तो सैम हेजलेट मेरे ख्याल से बाहर हो सकते हैं इस मैच में, एक उनकी जगह की जगह जो बर्न्स और क्रिस लिन की जगह कोई आ सकता है। तो देख लीजिए आप जो कि पूरा ये स्क्वाड है। तो अब चलते हैं एक बार दोनों दूसरे स्क्वाड की तरफ, जो कि है सिडनी थंडर का। तो सिडनी थंडर का अनचेंज स्क्वाड है, जो लास्ट मैच खेले थे एडिलेड स्ट्राइकर से, जो हार गई थी एडिलेड स्ट्राइकर से, तो सेम स्क्वाड उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया है। कैलम फर्गसन को जगह मिल सकती है टीम के अंदर, तो देखने वाली बात होगी कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बाकी टीम जो है बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब चलते हैं एक बार दोनों टीमों स्क्वाड है, तो आपने देख लिया स्क्वाड, तो अब बना लेते हैं टीम। तो जॉश बटलर को लेना बिल्कुल सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिमी पियर्सन इतने अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, दो मैच खेल चुके हैं और कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और जॉश बटलर की भी सेम ऐसी है, पर प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है जॉश बटलर, इसलिए जॉश बटलर को लिया है। यहाँ से क्रिस लिन को लिया, जैसे मैंने बोला खेलेंगे, ब्रेंडन मैकलम को लिया है, जो बर्न्स को लिया है जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहा है, पहले मैच में 36 पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं 50 मारी थी उन्होंने, और कुर्तिस पैटरसन को भी लिया है मैंने। तो ये चार प्लेयर्स हैं, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, एलेक्स रॉस बिल्कुल खेलेंगे, सैम हेजलेट में भी बाहर हूँ क्योंकि दो प्लेयर नए आए हैं अंदर, क्योंकि जो लास्ट मैच नहीं खेले थे जो बर्न्स वो भी आएंगे वापस और क्रिस लिन भी आएंगे वापस, तो सैम हेजलेट की जगह पर थोड़ा संदेह मैं बोलूँगा आपको। मार्कस लबसचाने भी बाहर हो सकते हैं, इन दोनों की जगह पर थोड़ा सा हो सकता है डाउट। तो अब देखते हैं ऑलराउंडर कौन कौन से ले सकते हैं। तो ऑलराउंडर शेन वॉटसन बिल्कुल लेना, क्योंकि ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, और बेन कटिंग भी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं, लास्ट में हिटिंग करते हैं। और अर्जुन नायर तो ज़बरदस्त प्लेयर लग ही रहे हैं, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो अर्जुन नायर को लेना बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ से तीन बॉलर लें, जैसे कि मैंने आपको बता दूँ इसमें यहाँ पर थोड़े जो पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो मुश्किल है यहाँ पर टीम बनाना, तो इसलिए मैंने मार्क्स टैकेटी को नीचे से लिया है और डॉगेट को लिया है और क्रिस ग्रीन को लिया है, जो क्रिस ग्रीन को लिया है जो कि 8-8 पॉइंट के हैं। अदरवाइज़ अगर पॉइंट होते तो मैं डेफिनेटली एक मिचेल मैकलेनहन को लेना बिल्कुल सही रहेगा, अगर आप मिचेल मैकलेनहन को अपनी टीम में ले सकते हैं तो ले लीजिए, और शादाब खान भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन रहेंगे, और फावद अहमद को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी अच्छे बॉलर हैं। नेक्स्ट करता हूँ कैप्टन, वाइस कैप्टन बना के दिखाता हूँ। तो जॉश बटलर को ही कैप्टन बनाना सही रहेगा, दो मैच फ्लॉप हो चुके हैं, तीसरे मैच में परफॉर्म कर सकते हैं और वापसी कर रहे हैं क्रिस लिन, तो उनको वाइस कैप्टन बनाना बिल्कुल सही रहेगा। सेव कर लेता हूँ, प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू ये दिखा दिया है मैंने आपको, जॉश बटलर मेरे हिसाब से कल के मैच में कैप्टन बनते बिल्कुल नजर आएंगे, क्योंकि अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ओपन करने आते हैं, और क्रिस लिन को आप बना सकते हैं, और मैकलम है एक अच्छा ऑप्शन, शेन वॉटसन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जो बर्न्स को भी बना सकते हैं, कर्टिस पैटरसन को भी बना सकते हैं क्योंकि ओपन करने आते हैं, और बेन कटिंग के साथ भी एक रिस्क आप ले सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं तो कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि नीचे आके बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, अगर दो तीन विकेटें निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे इनके पॉइंट बन जाएंगे। तो दैट्स इट, इतना था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।